हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गैस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोनपे एप्लीकेशन पर आप अपना एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, कैसे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, कैसे आप किसी को पैसे भेज सकते हैं। तो गैस, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फ़ोनपे एप्लीकेशन पर अपना एक नया अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैसे बैलेंस चेक किया जाता है, कैसे किसी को पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो गैस, सबसे पहले आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने के लिए फ़ोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोनपे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको सिंपली फोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फोनपे एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फोनपे एप्लीकेशन जो है आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक एप्लीकेशन का लोगो दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमें अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है ऐप पे। ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर है, उसी नंबर से यहाँ पे इसको लॉग इन करें। इससे क्या होगा कि आपका बैंक अकाउंट ऐड करने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर है उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है जो आपके बैंक अकाउंट में ऐड है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है यह ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद क्या होगा कि आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट यानी कि आपकी प्रोफाइल एडिट करनी होगी। तो प्रोफाइल एडिट करना उतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक OTP आएगा आपके उसी सिम पे। ठीक है, अगर इसी फोन में होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद आपका फोन पे एप्लीकेशन पर अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे से हमें हमारा जो नंबर है वो रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब आप प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। अगर आपसे परमिशन मांगता है तो आपको गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है, और अगर नहीं मांगता है तो कोई इशू नहीं है, आपको बस यहीं पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें परमिशन देने के लिए हमें सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको परमिशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहा है, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, फोन, SMS, स्टोरेज, जितना भी है, आपको फोन पे एप्लीकेशन को सब कुछ परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारा परमिशन यहाँ पे जल्दी जल्दी दे देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ सारा परमिशन दे देना है। ठीक है, देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दोबारा से रिडायरेक्ट करेगा इसी एप्लीकेशन पर। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं होता है, ऊपर की साइड में कट का ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपने कट कर दिया, तो आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा ऊपर की साइड में। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका नंबर दिखाएगा और यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि फोनपे एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो फोन पे एप्लीकेशन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक है जो इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं SBI का मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं SBI सेलेक्ट करूंगा। आपका जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिम सेलेक्ट करना है, जिस नंबर से आपने यहाँ पे जो एंटर किया है अभी रजिस्टर करते टाइम, और वही नंबर जो बैंक में है, तो आपको सिंपल वो सिम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ये वेरीफाई होता है सिम। ठीक है, बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, आपका जो अकाउंट है डिटेक्ट करना चाहता है ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट जो है डिटेक्ट हो चुका है, ये बता रहा है कि हमारा एक अकाउंट इस नंबर से है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ फाउंड वन अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको कन्फर्म हो गया कि यही मेरा बैंक है। तो आपको प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो बैंक है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना UPI पिन बनाना होता है। ठीक है, UPI पिन कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको UPI पिन कैसे बनाना है। फिलहाल मैं अभी यही बता रहा हूँ कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना, आपका बैंक जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये कह रहा है डू मोर विद योर फोन पे। ठीक है,
यानी कि ये बता रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं फोन पे एप्लीकेशन से। जैसे कि यहाँ पे सेंड मनी है, चेक बैलेंस है, पे बिल्स है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक करके अपना UPI डालना होता है। ठीक है, जो UPI अगर आपने बना रखा है ऑलरेडी किसी और ऐप के थ्रू, जैसे भीम है, पेटीएम है, वहाँ पे अगर बना रखा है तो यहाँ पे वही वाला UPI यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो पहले आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख करके इसका UPI पिन बना लेना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे बैलेंस दिखा देगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो बैंक है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, हमारा बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से ना भेज के आप होम स्क्रीन पर जाकर के भेजना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टू कॉन्टैक्ट, टू अकाउंट, टू सेल्फ और यहाँ पे चेक बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना फंक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं कि आपने अभी तक किसी को भेजा है कि नहीं भेजा है, तो हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने किसी को पैसा भेजा है कि नहीं भेजा है। ठीक है, तो हमने अभी किसी को पैसा भेजा ही नहीं है। ठीक है, तो टू मोबाइल नंबर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर होंगे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए 1 रुपये मैं भेज कर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे UPI पिन पूछेगा, तो आपको अपना सिंपल यहाँ पे UPI पिन डाल देना है। ठीक है, जो आप UPI पिन बनाएंगे हर चीज़ के लिए आपको इसमें UPI पिन डालना ही पड़ेगा, जहाँ भी आप पेमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है 1 रुपये जो है सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमारा फोनपे एप्लीकेशन में हमने बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, बैलेंस चेक कर लिया। ठीक है, यानी कि हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली बन चुका है, हमारा बैंक अकाउंट भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, हमारा प्रॉपर फोनपे एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो गाइस ऐसे करके आप फोन पे एप्लीकेशन पर अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं बहुत आसानी से, और बैलेंस चेक कर सकते हैं और किसी को पैसे भी भेज सकते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।